होश लिए हैं, नई बातें आई हैं, तो कोई कोई ऐसी बातें तो आई होंगी जिनका समाधान माता जी से न मिला हो। ये सारी बातें समझ में आ गई है? हिंदी जान दे? हाँ, फिर बताओ। माता जी ने जो भी बातें बताई वो सारी समझ में आ गई कि सारी ही बातें मुरली के अनुकूल हैं, ब्रह्म वाक्य के अनुकूल हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जैसे जैसे शिव बाबा ने सुनाया वैसी ही बातें हैं, या कुछ ऐसा लगा कि ये बात समझ में नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं समझ में आई तो बताओ। हैं? थोड़ा-थोड़ा समझ में आया। जो ज्यादा ज्यादा नहीं समझ में आया वो बताओ क्या? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, और ज्यादा ज्यादा समझ में नहीं आया। कम परसेंटेज में समझ में आया और ज्यादा परसेंटेज में समझ में नहीं आया, फिर भी आप इधर आ गए इतनी दूर से। तो जो ज्यादा ज्यादा आपको समझ में नहीं आया सो एक एक करके निकालो। निकालो है? मालूम ही नहीं तो मालूम कराओ भाई। वो मालूम करने के लिए फिर आपको वहाँ बुलाया जा रहा है भट्ठी करने के लिए। जैसे लौकिक दुनिया में मनुष्य आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे बाप के घर में जाके जन्म लेती है, तो जो एक शरीर छोड़ा उसे कहते हैं मरना, और दूसरे बाप के यहाँ जन्म लिया तो कहते हैं जिंदा हुआ, जीना। ऐसे ही यहाँ मरना और जीना बेहद का है। क्या? विश्व में ब्राह्मण बने, ब्रह्मा बाप की औलाद बने, तो एक बाप के बच्चे थे ना, फिर वहां से बुद्धियों को टूटा है या नहीं टूटा? वहां से बुद्धि का योग टूट गया है या जुटा हुआ है अभी भी? ब्राह्मणों की वो बेसिक दुनिया जहाँ छोड़ करके आप इधर आ गए, उनसे पूछा भी नहीं कि कह के आए हैं, कोई कह के नहीं आए, कैसे आए? और दुनिया में भी छोड़ के जाते हैं तो कह के थोड़े जाते हैं, अचानक छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ छोड़ के आ गए, माने उस दुनिया से मर गए। किस दुनिया से? ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया से मर गए और यहाँ आकर के अभी नए बाप के यहाँ जन्म लेने जा रहे हैं। तो जन्म लेने से पहले 9 महीने गुप्तवास करना पड़ता है कि नहीं आत्मा को, कि बाहर की दुनिया में रहती है और अंदर रहती है? तो ये 9 दिन है आपके, 1 दिन आना है, 7 दिन वहाँ रहना और फिर 1 दिन वापस जाना। एक दिन आना, 1 दिन जाना, 7 दिन रहना, 9 दिन हो गए। ये आत्मा का गर्भ हो गया, ज्ञान गर्भ। जैसे उस गर्भ में अंदर ही खाना पीना मिलता है कि बाहर से आता है? अंदर ही खाना पीना होता है, अंदर ही सारा रहन सहन चलता है। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है,
या कनेक्शन जुटा रहता है, है? कट हो जाता है। ऐसे ही आप वहाँ जाएंगे तो आपको अंदर ही खाना पीना सारा मिलेगा, बाहर की दुनिया में घूमने फिरने को भी आपको नहीं जाने देंगे, है? और ये आपका गर्व है, महल पूरा होगा फिर आप निश्चय बुद्धि होके बाहर निकलेंगे। निश्चय बुद्धि होना माना जीवन में आना, बाप का बच्चा बना माना निश्चय बुद्धि, और निश्चय टूट गया माना मर गया। तो आप बेसिक दुनिया से मर गए या अभी जिंदा हैं? मर गए। क्या भूत प्रेत बन के आए हैं? हाँ, भूत प्रेत बन के नहीं आए, हम ज्ञान गर्भ में आ गए। कहाँ आ गए? ज्ञान गर्भ में आ गए। अब ये 9 महीने के बराबर 9 दिन का ज्ञान गर्भ है। वहाँ भट्टी करने के बाद फिर आप बाप के बच्चे बन के निकले। बाप का बच्चा बना माना बाप को पहचाना। तो बाप को पहचाना तो बाप इस दुनिया में होगा या नहीं होगा? नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं, ये जो नए नए निकले हैं इनसे पूछ रहे हैं कि बाप को पहचानेंगे तब, जब बाप इस दुनिया में होगा तब पहचानेंगे, ये होगा ही नहीं तब पहचानेंगे, हैं? होगा तभी पहचानेंगे। तो आओ, एक बार बाप को पहचान लेंगे तो आप निश्चय बुद्धि कहे जाएंगे। जब से आपका इंट्रोडक्शन लगा है, जब से माता जी ने आपका इंट्रोडक्शन दिया तभी से तो टेस्टिंग मिल गया आपसे मिलने के लिए, तब से बुद्धि में बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। ये तो कह रहे हैं कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, शायद वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हिंदी में नहीं सुन रहे। अच्छा अच्छा ठीक, माने पूछना करना कुछ नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन भी दिया है, दूसरे लोग आपसे पूछेंगे, वो बीके वाले आपसे पूछेंगे, वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जवाब देने पड़ेंगे ना। ऐसा ना हो आप कुछ बातें न जानते हो और फिर उन्हें जवाब देने में लटपटाए जाए, तो सारी बातें क्लियर कर लो। अच्छा, वहाँ एडवांस कोर्स लेने के बाद कितने दिन क्लास किया? सीडी डीवीडी तो सुनते हैं बाबा, सीडी डीवीडी देते हैं, सुनने के लिए दूर रहते हैं, बड़े दूर रहते हैं। दूर रहने वाले दूर दूर के जनों में आते जाते रहेंगे, जो नज़दीक रहने वाले हैं वो जल्दी जल्दी आएंगे। हाँ, नहीं नहीं, नक्शा दिखाने की जरूरत नहीं, हम अभी दिखा रहे हैं लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। यहाँ ये हमारा यहाँ पर है गीता पाठशाला, हाँ, मोटाई ब्लॉन्स, तो ये नज़दीक वाले हैं, ये थोड़ा दूर वाले हैं, ये और दूर है, और ये लोग यहाँ रहते हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा दूर, हाँ, तो महीने में एक बार आते हैं और इसे सीढ़ी दे देते हैं लोगों को, हाँ, हैं। हाँ, तो दूर रहते हैं, आना जाना कर रहे हैं ना, आना जाना कर रहे हैं, तब तो आए हैं। हाँ, कितनी बार आना जाना किया कोर्स लेने के बाद? कोर्स लेने के बाद एक बार आए थे, महीने में एक बार, 3-4 बार आ चुके, बस वही बात, जो नज़दीक वाले हो तो ज़रूर रोज आएंगे, दूर दूर वाले थोड़ा दूर दूर दिनों में आएंगे। ठीक है, चलो, आपको कुछ नहीं पूछना करना, माता जी को कुछ पूछना हो।
क्योंकि जब आपने इनको समझाया बेसिक में कितने दिन चले, बीके वालों में चले ना कुछ दिन, कितने दिन? 10 साल। आप परिवार, पूरा परिवार है, ठीक है, पूरा परिवार ऐसे ही थोड़े इनकी कोई बात सुन करके आ गए होंगे, कुछ तो इनसे क्रॉस क्वेश्चन किए होंगे ना, नहीं किए? आपका सिटी में आते है सब प्रश्न उत्तर आते रहते हैं, इसलिए हमको पूछने की दरकार नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, सब अच्छा लगा है। माना इन्होंने जो कुछ समझाया वो तो बाप की बातें ही समझाई, ब्रह्मा माँ ने जो कुछ सुनाया और बाप ने जैसा समझा वैसा समझाया बच्चों को, तो बाप और माँ ने जो कुछ समझाया ज्ञान दिया वो ज्ञान का वर्षा आपको मिल गया है। वो ज्ञान के संबंध में जितने भी संकल्प हैं वो सारे ही संकल्प आपके संकल्पों से मिलते जुलते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ इनसे कोर्स लेते समय है, नहीं पैदा हुआ, सब कुछ अच्छा लगा। ऐसा लगा। हाँ, खून दो तरह का होता है, एक आत्मा का खून और एक ये शरीर का खून। जो बाप का खून सो बच्चे का खून होना चाहिए, है ना? तो बाप का खून और बच्चे का खून एक है तो कहते हैं दोनों की बात मिलेगी, झगड़ा कभी नहीं होगा। बाप का खून अलग और बच्चे का खून अलग तो झगड़ा होगा क्या? माँ बाप हैं और एक ही माँ बाप के खून से पैदा हुए बच्चे हैं तो वो कहेंगे मातेला बच्चा, और दूसरा माँ हो गया या माँ के अंदर दूसरे बाप का खून पड़ गया उससे बच्चा पैदा हुआ तो खून दूसरा हो गया या एक ही रहा? दूसरा हो गया। फिर वो बाप का बच्चा है ही नहीं, जरूर झगड़ा पैदा करेगा। आज की दुनिया में ये व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, खून एक नहीं हो पाता इसलिए झगड़े पैदा हो रहे हैं। यह है आत्मा का खून, क्या? हमारे अंदर जो संकल्प चलते हैं ना वो है आत्मा का खून। तो बाप के संकल्प और आपके संकल्प एक हो गए, आपको कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। तो असल सूर्यवंशी बच्चे हुए ना। ठीक है, तो ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वहाँ फिर वातावरण लगातार का 7 दिन का बदल जाएगा ना। बाबा तो कई लोग ऐसे होते हैं भक्ति करने आते हैं बहुत उमंग से, बहुत उमंग से भक्ति करने आते हैं, उनको सब तरह से सही हो देते हैं, उमंग बढ़ाते हैं उनका, फिर वे आते हैं तैयार होते हैं, फिर भक्ति करके जाते हैं कि भटनी के समय उनका निश्चय डोल जाता है, फिर जाते हैं गायब हो जाते हैं। ऐसे कई आत्माएं मॉरिशस ऐसे होता है ना। सतयुग के आज से 9 लाख आत्माएं सृष्टि पर आई, त्रेता के अंत तक 2 करोड़ हो गए, फिर द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए कि नहीं? हुए ना, कितने कन्वर्ट हो गए हिंदुस्तान से, कोई
कहाँ के बन गए, कोई कहाँ के बन गए, कोई देश किस देश में चले गए, कोई किस धर्म में चले गए। 2500 वर्ष में ढेर सारा कन्वर्शन हो गया। तो यहाँ शूटिंग नहीं होगी है? बाबा कोई आत्मा ऐसी भी है कि कई सालों तक नहीं आई भक्ति करने के बाद, कि अब आ रही है? आ गई है तो कन्वर्शन फिर हो गया। तो उनको तो जैसे बाबा कहते हैं कि फिर से भक्ति करनी पड़ेगी। वहाँ से धक्का खाया, उधर नहीं गई और धक्का है, कहीं नहीं गई, बेसिक में भी नहीं गई। बेसिक में भले नहीं गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो संघ के रंग में आ गई ना। तो संघ के रंग में आ गई तो यहाँ भूल गई, अब फिर आ गई। ऐसे होता है, है? तो अच्छी बात है, करा दो। तो दूसरी जगह गए, दूसरे संघ के रंग में आए, सब भूल गए। ये ज्ञान तो ऐसा है, इसको लगातार रिवाइज करते रहेंगे, रोज मुरली सुनते रहेंगे तो जिंदा बने रहेंगे। और बीच में गैप कर दिया, और जितना ज्यादा लंबा गैप कर दिया उतना सब भूल जाएगा। कोई भक्ति में चला जाता है, है? तो फिर से भक्ति में चला। हाँ जी, भक्ति के संस्कार रह गए होंगे तो भक्ति में चला जाएगा। और बम्बई को मुंबई भी कहते हैं, मुंबई और बम्बई होते हैं बॉम्बे। वास्तव में बम्बई तो इसलिए कहते हैं कि हर हर बम बम की नगरी है। क्या कौन है हर हर बम बम? शंकर जी को कहते हैं हर हर बम बम। और शंकर जी का काम क्या है? है विनाश करना। और विनाश करना ये बम्ब छोड़ने वालों का काम है। इस दुनिया में जो बम्ब छोड़ते हैं वो विनाश करते हैं, या जो बम्ब नहीं बनाते हैं नहीं छोड़ते हैं उनका काम है? पहले ज्ञान के बम, बाद में स्थूल बम्ब की बात बताओ। जो स्थूल बम्ब बनाते हैं, स्थूल बम्ब छोड़ते हैं, वही तो दुनिया का विनाश करते हैं। आखिरी विनाश कौन करते हैं? लेकिन उनमें तो ताकत नहीं होती ना बाबा। लेकिन बनाते कौन है? हैं? वही बनाते हैं। अब जो बनाएंगे वही छोड़ेंगे, भले उनमें ताकत नहीं है। सूर्यवंशी बच्चों में ताकत है, वो आत्मिक स्थिति में टिक करके कोई दूसरे में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा देते हैं और वो बम फोड़ देते हैं। तो भले उनमें ताकत नहीं है, लेकिन निमित्त कौन बनते हैं साकार में? साकार में तो वही लोग लो निमित्त बनते हैं। तो उनका काम हुआ बम्ब फोड़ना, बम्ब बनाना। वो विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? विदेशी। और बाप स्वदेशी बन के आया है या विदेशी बन के आया है? बस जो बाप विदेशी बन करके आया है उसको शास्त्र में नाम दिया है कृष्ण, भगवान कृष्ण, यादवों का हेड। ये जो रशियंस हैं, ये जो अमेरिकन्स हैं, जिनके पेट से बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मूसल निकले, ये मिसाइल्स की बात है। ये बुद्ध रूपी पेट से मिसाइल्स निकले, उन मिसाइल्स से उन्होंने सारी दुनिया का विनाश कर दिया। तो उन सबका हेड कौन है? शंकर। तो जो हर हर बम बम जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी नगरी है बम्बई। क्या? बम बम की नगरी बम्बई। लेकिन वो बम्बई में भी विनाश तब होता है जब देवी सामने आती है। क्या? शंकर विनाश नहीं कराता, कौन कराता है? ना, देवियां निमित्त बनती हैं। अर्श सरंगहारिणी
देवी कही जाती है, देवता नहीं। तो असुर संहारिणी काली माता को कहते हैं। काली माता ने दुनिया के जितने भी असुर हैं सबका संहार कर दिया। आज की दुनिया में सारे असुर हैं या कोई देवता भी है? है? सारी दुनिया में सब असुर ही असुर भरे पड़े। उन असुरों में से जो बाप की पढ़ाई पढ़ के आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जिनकी आत्मा की ज्योति पूरी जग जाती है, वो तो देवता बन जाते हैं। वो बहुत थोड़े से मुट्ठी भर, और बाकी सब असुर। उन असुरों को क्या होगा? नई दुनिया में जाएंगे? वो तो नहीं जाएंगे, तो सबका विनाश हो जाता है। किसके द्वारा? निमित्त कौन बनती है? शक्तियाँ निमित्त बनती है। तो उन शक्तियों में जो मुख्य शक्ति है उसका नाम रखा है मुंबा देवी। जहाँ बम्बई में मुंबा देवी मंदिर है, हैं? तो लास्ट में उस देवी के नाम पर उस शहर का नाम मुंबई पड़ जाता है। और कलकत्ता कोलकाता है, बिल्कुल। जो कलकत्ता है ना, वो कलह क्लेश को कट करने वाला है, और कलह क्लेश बढ़ाने वाला काला है, कोयला है या हीरा है? काला होगा, काला ही होगा। जो काला है तमो प्रधान है, वो कलह क्लेश को बढ़ाने वाला है। काला कौन होता है? जो व्यभिचारी होता है। जो व्यभिचारी है वो है काला, और जो अव्यभिचारी है वो है देवता। उसको काला थोड़े ही कहेंगे, देवता है तो गोरे चिट्ठे होते थे। तो वो कलकत्ता जो कलह क्लेश को काटने वाला है, वो कलयुग के अंत में कोयले जैसा काला बन जाता। क्या बुद्धि कैसी बन जाती? अति तमो प्रधान। जो अति तमो प्रधान होगा वो अति तमो प्रधान को फॉलो करेगा या सतो प्रधान को फॉलो करेगा? गोरे को फॉलो करेगा, हैं? हाँ, उसी को फॉलो करेगा। तो महाकाली का देश है वो। महाकाली अति की काली है, अति की तमो प्रधान सब असुरों का संहार कर देती है। तो कलकत्ते का नाम बदल करके महाकाली के आधार पर, जैसे कोयला काला होता है, ऐसी काली के नाम पर कोलकाता। क्या? तो कोयले जैसी काली दुनिया है उसको काटने वाली नगरी है कोलकाता। दिल्ली माने देह अभिमान सारा ले लिया, सर काट दिया। असुरों का सर काटती है ना खांडे से, देह अलग हो गई, सर अलग हो गया, तो आत्मा अलग हो गई और देवान अलग हो गया। और एक प्रश्न है मामा, विदेशी पर, जैसे कहते हैं कि विदेशी आत्माएं तो विधर्मी को बोलते हैं ना, और जैसे कि फॉरेनर्स लोग हैं, जैसे फॉरेनर्स लोग हैं दूसरे देश से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, भर वो हिंदू धर्म संस्कृति, देवी देवता धर्म संस्कृति मतलब ऊपर चलते हैं, तो उनको भी विदेशी कहा जाएगा? जैसे हम हैं भारत से, हम अपने धर्म संस्कृति लेकर वहाँ बिछड़ गए, वहाँ उसके उसी के आधार से हम चलते रहे हैं, तो हम भी हिंदू कहलाते हैं। वहाँ भल मॉरिशस में रहते हैं, मॉरिशन बताते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म संस्कृति को अपना कर चले हैं, हिंदू धर्म संस्कृति को अपना कर चलते हैं, उसका सम्मान करते हैं। रामायण भागवत गीता सब जो बिल्कुल जो यहाँ से गए थे आप्रवासी लोग, तो ये सब लेकर गए थे, तो उसी के आधार से हमको संस्कार मिला, पालना मिली, तो आज हम अपने को हिंदू बताते हैं। और व्रत त्यौहार आदि जो भी रखे जाते हैं उससे हम साबित करते हैं कि भारतीय संस्कार है हमें, तो हम भारतवासी नहीं हुए।
लेकिन वासी अभी कहाँ के हैं? अभी तो वहाँ रह रहे हैं बाबा, लेकिन आत्मा तो यहाँ बसी है, आत्मा कनेक्शन तो यहाँ है। लेकिन लेकिन देह के आधार पर वासी कहा जाता है या आत्मा के आधार पर वासी कहा जाता है? इसीलिए कहते हैं आप मॉरिशस मॉरिशंस हैं, आप भारतवासी थोड़े ही थे कभी, आपकी आत्मा थी भारतवासी, अभी इस जन्म में तो आप उस देश के वासी हैं ना। क्यों हम जैसे अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं कि हम विदेशी हैं? अंदर तो आत्मा है ना, वो स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बाहर से तो आप वही के हैं ना। और वैसे भी कहा जाता है कि मॉरिशस छोटा भारत है, सारी धर्म संस्कृतियों का संगम बताते हैं वहाँ के सब मिल जुलकर हर कार्य में सहयोग। उसका नाम मॉरिशस क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि दो शब्द मिल गए, मारिस माने मारूंगा, गुजराती में कहते हैं मारिस माने मारूंगा, यस माने हाँ मारूंगा, माना माना भारतवासी क्या करेंगे, सारी दुनिया को मारेंगे, लास्ट में सारी दुनिया मर जाएगी, भारतवासी रह जाएंगे। फ्रांसीसी लोग आए थे, हैं? मॉरिस नाम रखा। हैं? फ्रांसीसी लोग आए थे, उन्होंने जब हुकूमत चलाई तो मॉरिस नाम रखा था। जब अंग्रेजों ने देश ले लिया तो उन्होंने मॉरिशस नाम रखा। हाँ जी। हिंदी के अनुसार, भारत के अनुसार, जब यहाँ से भारत वापस जाते हैं तो वे लोग बोलते हैं मॉरिशस। हाँ जी। और कुछ है? और कुछ नहीं, बताओ। हिंदी बोलने की प्रैक्टिस खत्म हो गई क्या? अब प्रैक्टिस लेंगे। आप भोजपुरी बोलते हैं? हैं, भोजपुरी बोलते हैं। हिंदी ना प्रैक्टिस नहीं है, कब करेंगे? अच्छा अच्छा, माने वहाँ भोजपुरी लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े हैं उस द्वीप में। हाँ हाँ, वो जिस जहाँ आप लोग रहते हैं वो द्वीप है ना, सागर से घिरा हुआ छोटा सा द्वीप, उस द्वीप में भोजपुरी लोग ज़्यादा रहते हैं। भोजपुरी लोग? हाँ, भोजपुर से आए हुए बिहारी लोग, वो लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए भोजपुरी ही बोली जाती है। और भोजपुरी और हिंदी तो पढ़ाई जाती है प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक। चलो ठीक है, हैं? कुछ समय है? बात कर रही है खास कर। अरे बात ही तो करने आए, और काहे के लिए आए? हैं? क्या?